हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने किया बंद कर ऐलान, तो सीएम योगी ने उतारी भारी पुलिस। बाप रे, मैं तो हैरान हो रही। अभी हमने दो तीन ऐसी वीडियोस कर ली हैं, दे आर शॉकिंग। तो देखना आप कौन सी कहाँ पे होगी, उसको देख के आप ही हैरान हो जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी ने 7 दिन का काम महज 7 घंटे में करके दिखा दिया, तो चौंक गई वाराणसी की जनता। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने किया बंद का ऐलान, तो योगी ने संभाला मोर्चा। सड़कों पर उतरे ब्लैक कमांडो, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कड़ी सुरक्षा में पढ़ी जा रही नमाज। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आज जो है आज जुमा है और जुमे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। लेकिन उससे पहले किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की जो फौज है वो पूरी तैयार है। ये पुलिस देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी जुमे की नमाज अता करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन व्यवस्था जो देख सकते हैं आप, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरीके से चाक चौबंद है। इस तस्वीर आप देख सकते हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना होने पाए। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद 31 जनवरी की आधी रात से ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जैसे ही ज्ञानवापी पर ये फैसला आया था, उसके तुरंत बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई थी। वक्त तो 7 दिन का दिया गया था, लेकिन सीएम योगी ने देर न करते हुए महज 7 घंटे के अंदर ही बड़ा खेल खड़ा कर दिया था। दरअसल हिंदुओं को ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत के लिए 7 दिन में व्यवस्था करने के आदेश वाराणसी की जिला कोर्ट ने दिए थे। ये आदेश आते ही सीएम योगी ने भी आदेश दे दिया कि तहखाने में पूजा के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए। पुलिस अधिकारियों ने भी तुरंत आदेश का पालन किया और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 बजे ये आदेश आया और योगी की पुलिस ने रात 10 बजे पूजा करने के लिए व्यास परिवार को व्यास तहखाने में भेज भी दिया था। खुद बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे और 30 साल बाद व्यास तहखाने में घंटियों की आवाज गूंजी तो हर शिव भक्त का मन खुशी से फूला नहीं समायो। इन सब के बाद आज जुमे की नमाज है, इसके लिए भी योगी ने तैयारी पूरी कर ली है। इसे देखते हुए वाराणसी पुलिस भी बेहद सतर्क है। पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं व्यास के तहखाने में दिन भर में 5 बार आरती का समय तय कर दिया गया है। ऐसे में आज जुमे की नमाज के लिए भी बड़ी भीड़ ज्ञानवापी आ सकती है। इसके विरोध में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया। कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कारोबार बंद रखने की अपील की, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ही जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। वहीं इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सामने आकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कह दिया कि ऐसी हरकतें ही सभा को समाप्त कर देंगी। 1993 में बाबा विश्वनाथ की इस स्थान पे केशव प्रसाद मौर्य एक शिव भक्त के रूप में दर्शन करता था और उसको बंद करवाने का काम अनैतिक तरीके से किया गया। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, स्वागत करता हूँ। करण की इतनी घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएगी। फिलहाल योगी ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। फिलहाल व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है और तहखाने का नाम बदल कर भी ज्ञानवापी ताल गृह कर दिया गया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ज्ञानवापी पर और क्या फैसला आता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कमाल है, कमाल है। इसी की हमने वीडियो, क्यों कह रहे हैं ना कि जुम्मे की नमाज, तो वो ही हमने अभी वीडियो देखा है, देखना किस चैनल में होगा। उसमें उन्होंने दिखाया कि वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं और उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको बोला गया है कि मीडिया से बात बिल्कुल मत करना। उन्होंने अपने वॉलंटियर्स खड़े किए हुए, जैसे ही कोई मीडिया का बंदा वहां पे उन किसी से बात करने लगता है वो सामने आ जाते हैं और अपने जो लोग आ रहे होते हैं जिनसे इंटरव्यू करने लगते हैं उनको बोलते हैं चलो चलो निकलो निकलो। और कईयों तो इतने अंदर से भरे हुए थे लोग, वो तो ऐसे थे जैसे पता नहीं। वो कह रहे हैं, वो बोल रहे थे कि भैया तुम तो बिकी हुई मीडिया हो, तुम बिकी हुई हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। एक ने तो पता नहीं कुछ अजीब सा भी बोला था, देखना क्या बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। हाँ, की है। और जैसे ही परमिशन मिली है वर्शिप की, वो योगी जी ने फैंटास्टिक काम किया कि मतलब वो कह रहे 3 बजे ऑर्डर आया है कि आप कर सकते हो इंतजाम कर लो पूजा का। मोदी योगी जी ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, 3 बजे का बोला, 10 बजे रात को
वहां पे सारी पूजा की व्यवस्था। और दूसरा देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिटिकल है, इतनी पुलिस है, इतना सब कुछ है जिससे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना है, सब लोग शांति से वर्शिप करें और जाएं घर, और उसके बाद जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में कोर्ट होगा, तो कोर्ट में चलता रहेगा केस ऑब्वियसली, और यहाँ पे तब तक लोग जो हैं पीसफुली वर्शिप कर सकें। मगर इतना ज़रूर हो रहा है कि सभी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अभी तक तो आपने देखा था वो कोशिश कर रही है कि कुछ ना हो, जैसे हाँ, पर जो गंदे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं ना। जितने भी हमने देखा था नमाज के बाद लोग आए थे वो मीडिया को कुछ नहीं बोले थे, उनको पता है कि मीडिया में गलती से किसी ने कुछ बोल दिया पंगा कुछ हो गया, तो अच्छी बात ही कर रहे हैं वो, ये बोल रहे थे कि मीडिया बात नहीं करेंगे, अभी नमाज पढ़ के आए हैं, क्या पता क्या हो जाए, क्या बोल दे, कुछ कर ले, इसे शांति रखिए। वो अपना घर जा रहे हैं और उसके बाद जो है आपको जो भी वर्शिप कर रहा है शांति से वर्शिप कर रहा है, क्योंकि लोगों का गोल है वर्शिप करना, आप आइए वर्शिप करिए अपने भगवान को। नहीं पर इतनी बी हैप्पी शॉकिंग बात थी कि 30 साल से वहां पे पूजा नहीं हो रही, वो बंद किया हुआ है, और वो भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ लीगली नहीं किया गया, एक आया जी मिनिस्टर, उसने कहा ये बंद करा दो, वो तो बंद है। पॉलिटिक्स तो हुई है, नो डाउट, इतनी घटिया पॉलिटिक्स, इतनी घटिया पॉलिटिक्स। इवेंचुअली होगा ये कि जैसे पहले भी और कहा, और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये पूरी ही आप कह सकते हैं वैसे मीडिया में भी बड़ी आ रही है न्यूज़ इसके बारे में कि पहले एक जो भी था रूल था कि अयोध्या लास्ट है, उसके बाद हम डिबेट नहीं करेंगे। अच्छा? कि कहाँ पे क्या हुआ था ऐसा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, किसने बनाया था, किसने बना दिया, ये किसने तो बनाया था, बट दैट वॉज गलत है। अब जो है ये पॉइंट आ रहा है कि एक कोर्ट है, हर एक इंसान के पास राइट है कि वो कोर्ट के पास अपनी डिस्प्यूट लेके जा सके, क्योंकि फ्रीडम का मतलब यही है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज़ पे प्रॉब्लम है आई विल गो टू कोर्ट, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट केस करूंगा, मैं जीत गया तो जीत गया, आपको लड़ने लड़िए। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि ये किसने रूल बनाया था, ऐसा कैसे रूल बना दिया, कांग्रेस ने बनाया होगा। जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पर भी डिस्प्यूट है कोर्ट में जाइए और कोर्ट में आपने करिए और आप प्रूफ कराइए, तो वही इवेंचुअली मेरे ख्याल से होगा कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में प्रूव होगा। सिर्फ अभी इतना क्लियर नहीं है कि अगर को प्रूव कर देता है कि पहले टेंपल था, देन व्हाट टू डू, देन द टेंपल विल बी मेड, कोर्ट जो है कोर्ट में डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वी विल सी क्या होता है। नहीं यार, मैं तो बहुत शॉक में जाती हूँ ये सब सुन के, इतनी ना मगर कोई ये चाहता नहीं है, कोई इंसान चाहता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, कोई नहीं चाहता कि इस टाइप की कोई टेंशन हो, इतना हो, प्यार से जाइए वर्शिप करिए, ये बता तो रहे हैं, नोबडी वांट्स इट, कोई नहीं चाहता, क्यों, ये ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बैड एलिमेंट्स होंगे, बैड एलिमेंट्स हमेशा बैड होते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ आपको, ये देख लो कि किसी ने कोई बोल रहे थे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, उसने लोगों को बोला अपनी कम्युनिटी वालों को कि आप अपनी दुकानें बंद कर दो, और कह रहे हैं कई जगह पे, और उन्होंने दिखाया दुकानें बंद हैं, तो वो भी वैसे कैसे लोग हैं, हैं कि किस बात की तुम्हें तकलीफ हो रही है। एक तो बड़प्पन देखो कि वो एक मंदिर था जिसको तोड़ के बनाया गया, अब कोर्ट ने बोला कि हाँ नीचे जो है तहखाने में वहां पे आप पूजा कर सकते हो, जबकि करेक्टली स्पीकिंग वो पूजा की ही जगह है, फिर भी आपको नमाज पढ़ने की अभी भी अनुमति है कि आप वहां के नमाज पढ़ो, तो आप ये बड़प्पन देखो कि आपको फिर भी करने को मिल रहा है, उसके ऊपर से आप ये दिखा रहे हो कि आप खुश नहीं हो और आप कहते हो कि बंद कर दो भैया दुकानें, और जो उनके साथ मिलके दुकानें बंद कर रहे हैं किस टाइप के वो लोग हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है गवर्नमेंट डिक्टेट करती है कि कौन सी शॉप जो है खुलेगी कब नहीं, खुद ही आप बिजनेस को जो बिजनेस ओनर है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं बंद कर रहा हूँ, तो वही लग रहा है, ये तो वही लग रहा है, गवर्नमेंट जो चाहती है वही होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी ने देखें कि मैकडोनल्ड्स वाले ने मैकडोनल्ड बंद कर दिया, उसका मन कर रहा था, क्या पता ऐसा तो नहीं होता, तो वही मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर में रूल होता है कि आपको इन दिनों में ओपन रखना है नो मैटर व्हाट, क्या पता मुझे तो समझ तो वही होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई, फिर केस होना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए कैसे बंद, अगर रूल है वहां पे हमेशा उस दिन अगर हमेशा ओपन रहता है, देन यू हैव टू कीप इट ओपन, उन्होंने तो बंद कर दी ना अपनी मर्जी से, की है कर नहीं सकते, भैया करो फिर एक्शन, अगर ये लॉ है तो भैया बताना। तो चलो चलते हैं, अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।